खेल संग्राम में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 15 रन से हराया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 2-0 से वनडे सीरीज भी अपने नाम किया। आइए जानते हैं दूसरे वनडे मैच का हाल। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर फ्लॉप रही। तीसरे ही ओवर में 5 रन पर खेल रहे लोकेश राहुल को क्रिस वोक्स ने स्टोक्स के हाथों कैच करा टीम इंडिया को पहला झटका दिया। और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान विराट कोहली सिर्फ 8 रन बना वोक्स की गेंद पर स्टोक्स को कैच देकर चलते बने। वहीं शिखर धवन भी 11 रन बना वोक्स की गेंद पर बोल्ड हो गए। इस तरह टीम इंडिया ने सिर्फ 25 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवराज और धोनी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और 38.2 ओवरों में 4th विकेट के लिए रिकॉर्ड 266 रन जोड़े। दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। टीम में वापसी करने वाले स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह ने 127 गेंदों पर 21 चौके और 3 छक्के लगा 150 रनों की धुआंधार पारी खेली। युवराज को क्रिस वोक्स ने बटलर के हाथों कैच करा टीम इंडिया को 4th झटका दिया। केदार जाधव 22 रन बना जैक बॉल को प्लंकेट की गेंद पर कैचते बैठे। वही 125 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्के लगा 134 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद महेंद्र सिंह धोनी भी प्लंकेट का शिकार बने। हार्दिक पांड्या 19 और रविंद्र जडेजा 16 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 381 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, वही प्लंकेट ने भी 2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम को 4th ओवर में पहला झटका लगा। हिल्स 14 रन बना बुमराह की गेंद पर विकेट कीपर धोनी को कैच देकर पवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद जेसन रॉय और जो रूट ने 16 ओवरों में दूसरे विकेट के लिए 100 रन जोड़े। जो रूट को 54 के स्कोर पर अश्विन ने कोहली के हाथों कैच करा चलता किया। वही जेसन रॉय 82 रन की पारी खेलने के बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद स्टोक सिर्फ 1 रन बना अश्विन की गेंद पर बोल्ड हुए। वही जोस बटलर भी 10 रन बना अश्विन का शिकार बने। हालांकि इसके बाद कप्तान इयान मॉर्गन और मोइन अली ने 12.1 ओवरों में 6th विकेट के लिए 93 रन जोड़े। मोइन अली 55 रन की पारी खेल भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद क्रिस वोक्स 5 रन बना बुमराह की गेंद पर बोल्ड होकर चलते बने। वही 81 गेंदों पर 5 छक्के और 6 चौके लगा 102 रनों की शतकीय पारी खेलने के बाद इयान मॉर्गन रन आउट हुए। प्लंकेट 27 और वैली 5 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह इंग्लैंड टीम 50 ओवरों में 8 विकेट पर 366 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और बुमराह ने 2 विकेट झटके। वही भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा ने भी 1-1 विकेट चटकाए। 127 गेंदों पर 150 रनों की शानदार पारी खेलने वाले युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच बने। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।